हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 4 दी रेड ट्रैप बाय सेल्मा लेजेंडोफ। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर्स हमने नंबर वाइज पढ़ाए हुए हैं, तो आप चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। ओके, तो चैप्टर दी रेड ट्रैप की समरी स्टार्ट करते हैं। ये एक गरीब व्यक्ति की कहानी है जो कि जगह जगह घूम घूम कर चूहेदानियाँ बेचता है। राइटर ने इस कहानी के माध्यम से विशेष रूप से हमें दो चीज़ें सिखाने की कोशिश की है। फर्स्ट इज़ जो कि कोई चोर हो, सिपाही हो, अच्छा हो, बुरा हो, गरीब हो, अमीर हो, बुरा हो, सबके अंदर एक ना एक अच्छाई छुपी होती है। सेकंड इज़ अगर हम किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम उसे बदल सकते हैं, उसे भी अच्छा व्यवहार करने पर मजबूर कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो कि जगह जगह घूमकर चूहेदानियां बेका करता था, वो कुछ दुकानों और बड़े फार्मों से कुछ सामान मांगकर इधर उधर से चूहेदानियां बना लिया करता। लेकिन ये चूहेदानी बेचने का काम उसका ज़्यादा लाभदायी नहीं था, उसे इससे ज़्यादा लाभ नहीं होता था, इसी कारण वह छोटी मोटी चोरी कर लिया करता था। इसी तरह उसे एक दिन घूम घूम कर जब वह चूहेदानियाँ बेच रहा होता है तो शाम हो जाती है, तो वह सड़क के किनारे एक बने हुए छोटे से घर के पास पहुंचता है। वह उस घर का दरवाज़ा खटखटाता है और वहां पर रात को रुकने के लिए उससे मदद मांगता है। तो वहां से एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि मकान का मालिक है, बूढ़ा व्यक्ति बाहर आता है और वह उसे इनकार नहीं करता। वह उसे आज्ञा दे देता है कि वह उसके घर में रात गुजार सकता है। वह व्यक्ति उसके घर में रहता है पूरी रात और वृद्ध व्यक्ति उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है, उसे खाने को देता है, उसके साथ ताश खेलता है और उनकी वह रात बहुत अच्छी बीतती है और वह आराम से सोता है। और सुबह जब वे दोनों जाग जाते हैं, वृद्ध अपने काम पर चला जाता है और साथ ही साथ वह चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति भी उसी के साथ घर से निकल जाता है। लेकिन वे दोनों के जाने के बाद चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति आधे घंटे बाद फिर वापस आता है उसी घर के पास, लेकिन तब वह दरवाज़ा नहीं खटखटाता, वह खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है, क्योंकि उसने वृद्ध व्यक्ति को क्रोनर को एक पॉलीथीन में डालकर लटकाते हुए उसने देख लिया था। तो वह चोरी करना चाहता है, वह खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है और उन क्रोनर को चुरा लेता है। क्रोनर को चुरा कर वह जल्दी से वहाँ से निकल जाता है और वह रोड का रास्ता नहीं अपनाता, वह जंगल का रास्ता अपनाता है। वह जंगल में चलता जाता है, वह जाता है, वह जिधर भी जाता है घूम फिर कर एक ही रास्ते पर वापस आ जाता है, वह भटक जाता है रास्ता। फिर जब वह बहुत थक जाता है तो उसे कहीं से लोहे की पिटाई की आवाज़ आ रही होती है, लोहा पीटने की, यानी कि किसी लोहे की मिल की कारखाने की उसे आवाज़ आती है, उसे आभास होता है कि यहाँ आसपास कोई कारखाना होगा। वह उस आवाज़ की दिशा में चलने लगता है, सोचता है कि वह वहाँ पहुँच जाएगा। वह जाता है और वहाँ पहुँच भी जाता है। वह मिल में काम कर रहे लोहारों से आज्ञा मांगता है कि वह वहाँ पर रात गुजारना चाहता है। वह उसे बेरुखेपन से आज्ञा दे देते हैं। वह धीरे धीरे भट्टी के बिल्कुल करीब आ जाता है ताकि गर्मी से उसके कपड़े सूख जाएं। लेकिन कुछ ही समय में उसे एक पछतावा होता है, जो कि उसने क्रोनर एक वृद्ध व्यक्ति के क्रोनर चुराए थे। उसे एहसास होता है अगर मैं नहीं चुराता तो उसे इस तरह भागना ना पड़ता और जगह जगह भटकना नहीं पड़ता, छुपना नहीं पड़ता। तभी वहाँ पर मिल का मालिक आ जाता है और वह आने के बाद वह जब उस व्यक्ति को चूहेदाने बेचने वाले व्यक्ति को वह देखता है और वह समझता है कि वह उसका कोई पुराना परिचित है, कैप्टन समझता है उसे। वह उससे कहता है, मालिक चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति से कहता है कि आ कैप्टन, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, तुम चलो मेरे साथ घर चलो। और वह क्रिसमस की शाम होती है, वह उसे बहुत कोशिश करता है कि वह उसे अपने घर ले जाए, वो लेकिन नहीं मानता। वह सोचता है कि अगर मैं इसके घर गया मेरी असलियत खुल जाएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। मिल मालिक के बहुत कोशिश करने के बाद भी चूहेदानी वाला व्यक्ति उसके घर नहीं जाता, तो मिल मालिक हार कर वापस चला जाता है और काम करने वाले कारखाने में जो लोग होते हैं उनसे कहता है कि ये यहीं रहेगा, आज की रात ही यहीं बिताएगा। परंतु वह घर पहुँचता है और सारी कहानी अपनी बेटी को बताता है और उसकी बेटी रुक नहीं पाती। वह जल्दी से एक कोट लेकर, नौकर पीछे पीछे चल रहा होता है, नौकर को एक कोट पकड़ाकर वह कारखाने आती है। कारखाने में आकर वह उस व्यक्ति को कहती है, कोशिश करती है कि वह उसके साथ चले। वह मना नहीं कर पाता, वह कहता है कि तुम मेरे लिए इतनी दूर आई हो, मैं ज़रूर चलूँगा। वह उस लड़की की बात मानकर उनके घर चला जाता है। वह वहाँ आराम से सोता है
लेकिन मिल मालिक की लड़की को थोड़ा सा संशय होता है कि ये कोई और तो नहीं है, हमने जिसे अपने घर में बुला लिया है। उसका बाप कहता है नहीं, जब वह नहा धो लेगा, साफ़ हो जाएगा, बाल कटा लेगा, दाढ़ी बनवा लेगा, तब वह बिल्कुल ज्ञानी, बिल्कुल पढ़े लिखे व्यक्ति जैसा हो जाएगा। अगली सुबह वह व्यक्ति उठता है और नौकर उसके बाल काटता है, उसे नहलाता है, उसकी दाढ़ी बनाता है और उसे अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाता है। फिर वो एक नया व्यक्ति के रूप में तैयार होकर मिल मालिक की बेटी और उसके सामने आता है। मिल मालिक कुछ बेरुखे जैसा व्यवहार करता है, वह पहचान जाता है कि मैंने गलती से इसे कैप्टन समझ लिया, ये वो नहीं है। वह पहचान जाता है और वह कहता है कि तुम तो वो नहीं हो जिसे समझ कर मैं अपने घर ले आया था। तो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, आपने ही मुझे मजबूर किया था अपने घर आने पर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और वह उसे कहता है कि अब वह उसे पुलिस के हवाले कर देगा। लेकिन मिल मालिक की बेटी, जो कि बहुत ही मुलायम नर्म दिल होती है, वह कहती है कि ठीक है, अब जो भी हुआ हम अपनी क्रिसमस ईव ख़राब नहीं करेंगे, हमने जैसा सोचा था हम उसे वैसे ही स्पेंड करेंगे, वैसे ही बिताएंगे। वह उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति का हाथ पकड़ लेती है, उससे कहती है कि बैठो, खाना खाओ। वह बैठता है और खाना खाता है उनके साथ और फिर वह सोता है, आराम करता है। वह दोनों चर्च चले जाते हैं, मिल मालिक और उसकी बेटी, वह दोनों चर्च चले जाते हैं। चर्च में जाकर उन्हें पता लगता है कि एक जगह जगह घूमकर चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति है, जिसने एक सड़क के किनारे रहने वाले वृद्ध व्यक्ति के क्रोनर चुरा लिए हैं। वह समझ जाती है कि ये तो वही व्यक्ति है जिसे मैंने अपने घर में रुका लिया है। उसका पिता यही कहता है उससे कि मैंने तुम्हें मना भी किया था, अब देखो वही हुआ ना जो मैंने कहा था, वह एक चोर है। वह जल्दी से घर आते हैं और आते ही वे नौकर से पूछते हैं कि क्या वह व्यक्ति चला गया जिसे हम अपने घर पर मेहमान के रूप में लेकर आए थे, और उसने कुछ चुराया तो नहीं? तो नौकर कहता है नहीं, वह चला गया लेकिन उसने कुछ नहीं चुराया है। लड़की तुरंत अंदर जाती है और देखती है कि एक छोटा सा गिफ्ट और एक लेटर उसके लिए रखा होता है। गिफ्ट में एक चूहेदानी होती है और वह 30 क्रोनर होते हैं, जो कि उसने सड़क के किनारे रहने वाले वृद्ध व्यक्ति के चुराए होते हैं, और एक खत होता है। खत में उसने लिखा होता है कि आपने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, उसके लिए मैं भी आपके साथ कुछ थोड़ा सा अच्छा करना चाहता हूँ, और इसलिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा तोहफा रखा है, हो सके तो सड़क के किनारे रहने वाले वृद्ध व्यक्ति को उसके क्रोनर लौटा दीजिएगा। वह बहुत खुश होती है, मानो उसे ये छोटा सा गिफ्ट नहीं, उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति की तरफ से बहुत रिस्पेक्ट मिल रही हो। वो बेहद खुश होती है और अपने पिता को भी दिखाती है, और लेटर के लास्ट में बहुत ही प्यार से और फ्रेंडशिप वे में लिखा होता है, योर्स कैप्टन वॉन स्टेल। मैं अपने आप को मतलब यही दिखाता है कि आपने जो समझा था कि मैं कैप्टन वॉन स्टेल हूँ, मैं वही हूँ, आप वही समझें। और इसी तरह हमारी ये रोचक सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी फिनिश हो जाती है। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बेसिक वे में आपको ये स्टोरी समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ में आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।